इतनी अजीब बातें सही। आज जो तुम्हारे लिए परेशान है उन सबसे तुम मेरी वजह से मिली हो और तुम मुझसे कोई नाता नहीं रखना चाहती। मुझे बिना बताए घर छोड़कर चली गई। कहां मैं तुम पर पति होने का हक जता रहा था और देखते ही देखते मैं तुम्हें देखने का ही हक खो बैठा हूं। पुलकित, सही कैसी है? देवी, तुम यहां? सनी, तुम देवी को वापस यहां क्यों लेके आए? जीजू, वो ताई घर पर रुकने को तैयार ही नहीं थी। मुझे जिद कर रही थी कि मुझे सही के पास जाना है, सही के पास जाना है, और इन्हें ऐसा परेशान देख करके मैं भी मना नहीं कर पाया तो ले आया। पुलकित, सही भी मेरे साथ थी ना, जब उसने मुझे घर से भगाया था अपनी शादी के लिए। मुझे भी सही के साथ रहना चाहिए था। पुलकित, मुझे मुझे सही से मिलना है। कैसे है वो बताना प्लीज, मुझे उसे देखना है प्लीज। पुलकित प्लीज सुनो ना मेरी बात। बेटा, मैं सही से मिलके आई हूँ। उसकी हालत ठीक नहीं है और तुम उसे इस हालत में नहीं देख पाओगे बेटा। काकू, सही जिस भी हालत में है तो मेरी सही ना। प्लीज पुलकित, मुझे सही को देखना है। मुझे सही को देखना है, देखना है, देखना है। बराबर, एक मिनट यार। पुलकित, पुलकित, देखो बेटा, तुम मेरे साथ चलोगी? बराबर, ठीक है, चलो सनी। पुलकित, आओ ना। भाभी, सनी, सनी, सही इस वक्त तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। वो बात करने की हालत में नहीं है। देवी, देवी नहीं रोते। देवी, मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि तुम सही को इस हाल में देखो। मुझे मेरी सही ठीक हो जाएगी, हो जाएगी ना? हाँ, ठीक कर दोगे ना? हाँ, मैं सही को ऐसे नहीं देख सकती। हाँ। देवी संभालो अपने आप को। देवी, 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 देवी संभालो। ठीक कर दो। नहीं रोते। सही, सही। देवी, सही का भी ऑपरेशन हुआ है, उसे छूना मत। हाँ, सही, देख देख, तेरी देवी ताई आई है। उठने से प्लीज कुछ बोल। सही, कौन है? तू बुढ़ कर है ना? सही, आके खोल ले। सही, देवी खोल ले, खोल। देवी, सही अभी किसी की भी बात पे रिएक्ट नहीं करेगी। संभालो अपने आप को। देखो, सही ना ठीक हो जाएगी, उसके बाद तुम उससे बात करना। शांत हो जाओ। काकू, आप सही को बोलना कि जब ये ठीक हो जाएगी ना तो मैं इनसे मिलने आऊंगी। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है, बहुत हिम्मत वाली, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी काकू, देखना। सही सच में एक बहादुर लड़की है, सब ठीक होगा। वरना इतनी गहरी चोटें आने के बाद भी इतनी जल्दी रिकवर करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाबा, सही को जल्दी होश में लाइए, उसे ठीक कर दीजिए।
पता नहीं सही ने मुझे देखा भी या नहीं। मैं आपको इस जिम्मेदारी से नहीं बल्कि इस बोझ से आजाद करना चाहती हूँ। हेलो, हाँ जरा एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ सोनाली, जरा सिटी हॉस्पिटल के लिए कैब बुक करो ना। घर में एक भी गाड़ी नहीं है, सारी बाहर गई हुई है। जरा बुक करो, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हो दादा। हाँ हाँ बोलिए। अरे बुक करो ना। क्या जरूरत है? 1000 रुपए? मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा अधिक टू मच लग रहा है। यहाँ से हॉस्पिटल का 1000 रुपए? फिर क्या? अरे क्या जरूरत है सब लोगों को हॉस्पिटल जाने की? कोई छोटी सी गाड़ी करते, 3 लोग चले जाते। वाह वाह वाह, सोनाली वहिनी, ओमकार दादा, ये कंजूसी दिखाने का यही टाइम मिला है क्या आपको? आपके सीने में दिल धड़कता है या फिर कैलकुलेशन करता है? अपना कैब बुक करो, पैसे मेरे से ले लेना। इसके पास हैं पैसे? सोनाली क्या हुआ, कैब बुक हो गया? हाँ करते, बड़ी मामी घर में नहीं है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं मिली नहीं। अजीब बात है यार, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, वो हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं गई। क्यों नहीं जाएगी? वो जाना चाहेंगी। कमाल है, इस घर को नियम कानून सिखाने वाली, सबको सही राह दिखाने वाली, आज इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे खुद ही गायब हैं। वो कहावत ना बिल्कुल सही बैठती है वहीनी पर, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भविष्यवाणी, ये क्या तरीका हुआ भवानी वहीनी के बारे में बात करने का? तू जानती है ना, परिवार में वो सबसे बड़ी है। और क्या शिवानी, सई के साथ जो हुआ है उसके लिए वहीनी को बहुत दुख है। तुम्हारी तरह उन्हें भी सई की परवाह है। अच्छा, उन्हें वाकई में सई की फिक्र है या फिर बस नाटक ही कर रही थी? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा है उन्हें सई की फिक्र करते हुए। ऐसी बात नहीं है शिवानी, वहीनी का नजरिया बदल गया है सई के लिए। और जब से देवी ने कहा है कि विराट और सई जब अलग होते हैं तो कुछ बुरा होता है, ये बात पे भी वो यकीन करने लगी है। वो बात तो ठीक है ताई, लेकिन इससे ये बात तो नहीं बदल जाएगी ना कि सई घर छोड़कर इसलिए गई है क्योंकि इस घर के कुछ लोग उसके साथ बहुत ज्यादा ही गलत बिहेव करते हैं। ये बात आप मुझे देख के क्यों बोल रही शिवानी मौसी? मुझे ना तुम्हारे सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मत दीजिए। और ना ही इस घर की राजमाता भवानी वहीनी, उनका इंतजार करने की कोई जरूरत है। मैं जा रही हूँ, बहुत सामान पैक करना है। पत्र लिखा लॉन में देखा तुमने? जी निनाद मामा, सब जगह देखा पर बड़ी मामी कहीं नहीं है। कहाँ जा सकती हैं? जीजू पता नहीं क्यों विराट अंदर ही नहीं आ रहा। मैंने उसे कितनी बार कहा कि भाई एक बार मिल तो ले, फिर भी मना कर रहा है। उसने फैसला किया है सनी कि वो सई को देखने अंदर नहीं आएगा। दादा सब पैक कर लिया है मैंने, कितनी देर में निकलना है? शिवानी ऐसे कैसे जा सकते हैं हम, वहीनी की कोई खबर ही नहीं है। तो फिर आप लोग एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठ के उन्हें ढूंढते रहिए, मैं तो जा रही हूँ, मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। और किसी को साथ चलना है तो वो चल सकता है, नहीं तो मैं अकेले भी चली जाऊँ। पता नहीं भवानी वहीनी कहाँ चली गई है और सई की भी कोई खबर नहीं है। उसकी तबीयत कैसी होगी, क्या हाल होंगे, क्या पता। आई आप प्लीज चिंता मत कीजिए, सम्राट है ना हॉस्पिटल में, मैं उनको फोन कर देती हूँ। और डॉक्टर करमर कर सई का केस हैंडल कर रहे हैं तो सम्राट डॉक्टर से बात करके सई की कंडीशन के बारे में हमें अपडेट देते रहेंगे। प्लीज पत्रलेखा, तुमने जितना कर दिया है ना उतना बहुत है। मैंने क्या किया? अब हम सब पे ना एक एहसान करो कि तुम कुछ मत करो, क्योंकि अगर आप सम्राट को फोन भी करोगी ना फिर उसका भी इनाम ही मांगोगी। पत्रलेखा, बस शिवानी क्या हो गया है तुम्हें? मैं कब से देख रही हूँ तुम पत्रलेखा के पीछे क्यों पड़ी हो, उसे इतने कटाक्ष टॉन्ट ताने क्यों मार रही हो तुम? उमी, वहीनी कहीं हॉस्पिटल तो नहीं चली गई? नहीं दादा, वहीनी अकेले कभी घर से बाहर नहीं जाती और हॉस्पिटल तो हमें बिना बताई जा ही नहीं सकती। फिर गई कहाँ होगी? सही,
भाभी अब आप कैसी हैं? सही भाभी जरूर विराट को ढूंढ रही होंगी। आप किसे ढूंढ रही हैं? आप विराट को ढूंढ रही हैं ना भाभी? सही सही को अभी तक पूरी तरह से होश नहीं आया है। जीजू मुझे पक्का पता है कि सही भाभी की नजरें विराट को ही ढूंढ रही थी। देखो वैनी, वैनी कहां चली गई थी आप? सही कैसी है? बड़ी मामी आप कहां थी? मैंने पूरे घर में आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। वैनी किसी को कुछ ना बताए कहां गई थी आप? ओ वैनी हमें बहुत चिंता फिक्र टेंशन हो रही थी आपकी, आप कहां थी? पत्र लिखा बाड़ा बताना सही की हालत कैसी है। तू तो हॉस्पिटल में थी ना, उसकी हालत में कुछ सुधार है तो मिली है ना उससे? बड़ी मामी अभी सही से मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। मेरा मतलब है कि जब तक मैं हॉस्पिटल में थी डॉक्टर ने यही कहा था, लेकिन सही को ब्लड चढ़ाने के बाद उसकी कंडीशन पहले से काफी बेटर हो गई है। चलो ये सुनकर सुकून मिला, लगता है पापा ने मेरी सुन ली। मैं पापा के मंदिर गई थी। उनका जाप करने और फिर मैंने 101 प्रदक्षिणा भी की। प्रदक्षिणा? रियली वहीनी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने सही के लिए इतना कुछ किया है। ओ वहीनी बापा ने माता पार्वती और शिव जी की प्रदक्षिणा की थी ये बताने के लिए कि उनकी दुनिया उन दोनों में बसती है, और आज एक सास ने अपनी बहू की जिंदगी के लिए प्रदक्षिणा की। डाटो सिट्ठो, इसका मतलब काकू की दुनिया सही भाभी में बसती है। करिश्मा ये कैसे कर लेती हो तुम? मतलब दिन ब दिन खुद को और ज्यादा बेवकूफ कैसे साबित कर लेती हो? वहीनी बाप्पा की प्रदक्षिणा करने गई थी, सही की नहीं। इसलिए कहते हैं ना, ब्रेन दिमाग मस्तिष्क अगर ना चलता हो तो मुंह भी नहीं चलाना चाहिए। कप्पो बस जरा। पर वहीनी आपके तो घुटनों में दर्द है ना, फिर आपने 101 प्रदक्षिणा कैसे की? हाँ? दर्द तकलीफ ठनक ये सब दिमाग में होते हैं मानसी। इंसान जब कुछ करने की ठान लेता है तो सारी रुकावटें अपने आप गायब हो जाती हैं। फिर कोई उम्र घुटने का दर्द कुछ भी मायने नहीं रखता। आज सुबह जब हम बापा की आरती कर रहे थे तब मुझे एक दिव्य शक्ति की मौजूदगी का एहसास हुआ। ऐसे लगा जैसे बापा खुद चाहते हैं कि मैं उनके दर पर जाऊं और सही के लिए प्रार्थना करूं। इसलिए मैं मंदिर गई थी सही की सलामती के लिए प्रार्थना करने, और मैंने बापा से कहा कि उस बेचारी बच्ची को जल्द से जल्द पहले जैसा ठीक कर दे। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं एहसास हो गया है? मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है वहीनी कि अब जाके आपको एहसास हो रहा है। अगर ये एहसास कुछ वक्त पहले हो जाता तो आज हमारी सही की ये हालत नहीं होती ना, जिस हालत में वो है अभी। शिवानी पहले मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि विराट और सही का एक साथ रहना कितना जरूरी है, लेकिन अब जब मुझे एहसास हुआ है तो मैं खुद इस बात का ध्यान रखूंगी कि वो दोनों कभी एक दूसरे से दूर ना रहे, हमेशा एक साथ रहे सुरक्षित। पंडित ने सही की सलामती के लिए ये प्रसाद
और बाबा के चरणों में चढ़ाए फूल दिए हैं। मैं खुद जाकर सई को ये सब देने वाली हूँ ताकि सई की तबीयत भी ठीक हो जाए और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। वहिनी, ऐसा कोई प्रसाद बनाई नहीं है जिससे सई का गुस्सा शांत हो जाए। ये लड़की जिस तरह की हरकतें करती, जिस तरह का इसका बर्ताव है वो तो कम ऑन उम्मीद दादा, अब तो वहिनी भी सई के इस घर में क्या अहमियत है उसको पहचान गई है, और आप हैं कि अभी भी पुरानी बातें लेके बैठे हैं, अभी भी सई की हरकतें और उसके बर्ताव के बारे में बात कर रहे हैं। आप जैसे लोग ही सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स कहलाए जाते हैं। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो शिवानी। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि अचानक से हम लोग सब लोग उसको प्यार करने लगे, उसका गुणगान करने लगे? हाँ, और नहीं तो क्या, ये सई के साथ जो हो रहा है ना वो उसकी अपनी गलती है, और उसकी गलती की वजह से पूरा फैमिली कुटुंब सब परेशान खड़े। सोनाली बस, और उमी तुम भी अब कुछ नहीं बोलोगे। नीना, हॉस्पिटल के लिए कब चलना है? आप सब लोग हॉस्पिटल जा रहे? पुत्रलेखा, क्या तुम्हें वाकई लगता है अब भी कि हम सबको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं था निनाद मामा, अगर आप लोगों ने मन बना ही लिया जाने का तो मैं कौन होती हूँ आपके इरादे बदलने वाली। लेकिन बड़ी मामी, एक बात आपसे जरूर कहूंगी, सही की सेहत में सुधार डॉक्टर के इलाज से ही आएगा, पूजा पाठ प्रदक्षिणा या फूल वगैरह से नहीं। ये सारी बातें ना दिल को दिलासा देने के काम आ सकती, लेकिन इलाज की नहीं। पापा के चरणों में चढ़े फूल किसी की जान नहीं बचा सकते। विश्वास में बहुत ताकत होती है पत्रलेखा, ऐसी बात नहीं है कि पूजा पाठ करने से हम विज्ञान को झुठला रहे हैं, लेकिन ये जो विश्वास और उम्मीद है ना, दुनिया इन्हीं की बुनियाद पर टिकी हुई है। तुझे नहीं लगता कि बापा के प्रसाद से सही में उम्मीद जागेगी? हमारी दुआओं से उसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी? उसमें जल्दी ठीक होने की इच्छा शक्ति जागेगी? जरूर जागेगी। विराट, सनी भाई, भाभी को होश आ रहा है और जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भाभी को होश आया था, वो इधर उधर देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनकी नजरें किसी को ढूंढ रही हैं। किसे ढूंढ रही थी, कुछ कहा उसने? मैंने पूछा तो था, लेकिन भाभी जवाब देने से पहले ही बेहोश हो गई। सॉरी यार, मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर पा रहा, पर मुझे लगता है ना कि साई भाभी शायद तुझे ढूंढ रही थी। मुझे नहीं लगता कि सई को मेरा चेहरा भी देखना है, शायद आई को ढूंढ रही होगी, या देवी ताई को, या घर के किसी और सदस्य को। मैं शायद दुनिया का आखिरी इंसान हूं जिसे सई मिलना चाहेगी। For more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.